एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, अब आलोक बनेंगे आईएएस, क्योंकि ज्योति मौर्य केस में जो नया मोड़ आया है, इसके जरिए कई नामी कोचिंग संचालकों ने आलोक मौर्य को ऑफर दिया है। प्रदेश में संचालित हो रही नामी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले कोचिंग संचालकों ने आलोक से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि वो सिविल सर्विस की तैयारी करवाएंगे उन्हें, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। आपको बता दें, महिला एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद में कई लोग अपनी राय दे रहे हैं। कोई महिला अधिकारी की तरफ तो कोई सफाई कर्मचारी पति की तरफ से सवाल उठा रहा है। सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। इन सब के बीच प्रदेश में संचालित हो रही नामी सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले कोचिंग संचालकों ने आलोक से अब संपर्क साधना शुरू कर दिया है। संस्थाओं का कहना है कि वो सफाई कर्मचारी को सिविल सर्विस की तैयारी करवाएंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। पिछले एक महीने से महिला पीसीएस अधिकारी ज्योति और पंचायती राज विभाग में बतौर सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात उसके पति आलोक के बीच चल रहा पति पत्नी और वो का विवाद चर्चाओं में बना हुआ है। विवाद को लेकर कई तरह के चुटकुले और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सफाई कर्मचारी ने बताया कि पूरे विवाद के दौरान अब मेरे पास सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले कोचिंग संचालकों के फ़ोन आ रहे हैं, जो अपनी कोचिंग में निःशुल्क पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी प्रयागराज में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर चुका है। पत्नी का रुझान अधिक देख पत्नी को कोचिंग और तैयारी कराने में जुट गया था। इस दौरान वो प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी पद पर तैनात हो गया। वहीं सफाई कर्मी ने बताया कि सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान कई बार उसने वनडे एग्जाम के साक्षात्कार भी दिए हैं। वहीं उसने आगे बताया कि 2008-2009 में सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान 3 बार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का इंटरव्यू भी वो दे चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उसका चयन नहीं हो पाया। बिहार के पटना जिले के एक नामी कोचिंग संचालक का कहना है कि हमेशा देखोगे कि ट्रेन के इंजन को बोगी से तगड़ा होना पड़ता है। उन्होंने अपने बच्चों के क्लास के दौरान खुद आगे रहने की सलाह दी है। महिला पीसीएस अधिकारी के पति के पास सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेकर लगातार फ़ोन आ रहे हैं। फ़ोन करने वाले कोचिंग संचालकों ने महिला अधिकारी के पति की नौकरी का हवाला देते हुए ऑनलाइन तैयारी करने की बात कही है। कोचिंग संचालकों ने उसे नोट्स भी देने के लिए कहा है। तो ये विवाद अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या अब आलोक, जो कि ज्योति के पति हैं, उन्हें आईएएस बनाने के लिए जो कोचिंग संस्थान हैं वो मदद कराएंगे? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।